दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रोटा हेलर का यूज़ किस तरीके से करें ब्यूटा मोड 400 इनहेलर के साथ। सबसे पहले आप ये जो कैप्सूल है इसमें दो हिस्से हैं, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जो ट्रांसपेरेंट जो हिस्सा है उसको इस वाले होल के अंदर इस तरीके से डालेंगे कि ये पूरा फिट हो जाए। ये हमने पूरा तोड़ दिया, ये पूरा फिट किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैप है इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, ये जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है ये ब्लॉक होकर नीचे की तरफ आ जाए। देखिए आप, ये जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है ये नीचे की तरफ आ गया है और ये कैप को हम पूरे को ट्विस्ट करें, क्लोज करें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम जो श्वास क्रिया है उसको हम छोड़ेंगे। कैसे, श्वास को एक बार छोड़ने के बाद ये जो ऊपर का जो ये जो कवर है इसका जो टॉप का जो हिस्सा है इसको हम दांतों के बीच, यानी अब यहाँ पे ऐ है और आप समझ रहे होंगे, मैंने जो है इसको एक बार अपने श्वास को छोड़ने के बाद मैं इसको दांतों के बीच दबाया, होठों के बीच दबाया और श्वास को लिया। उसके बाद एक बार पूरी तरह खींच लिया मैंने इसको, और खींचने के बाद अपनी जो श्वास है यानी कि अपने सांस को 10 सेकंड तक होल्ड करा। होल्ड करने के बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे, इस तरीके से आप जो है रोटा इनहेलर से इस इनहेलर को इसके से यूज करते हैं। यह है सबसे सही तरीका इसको यूज करने का। अब आप जो ये जो दूसरा अगर कैप्सूल लेना चाहें, अगर डॉक्टर ने आपको एक कैप्सूल दे रखा है तो आप एक कैप्सूल इसमें दूसरा अगर लेना चाहें तो आप दूसरे को ले, और ये जो यहाँ से आप इसको पुश करें, ये जो बाकी जो पिछली जो दवाई थी उसका ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया। अब ये जो है ट्रांसपेरेंट हिस्सा हम नीचे की तरफ ले आएंगे और इसको अच्छे तरीके से कैप कर देंगे। कैप करने के बाद इसको हम पुश करेंगे, पुश करने के बाद ये जो नीचे का हिस्सा ऊपर मिलेगा। अब हुआ उसी के अकॉर्डिंग जो पहले बार जो प्रोसेस किया था ये सेम प्रोसेस उसी तरीके से। आपको समझ में आ गया होगा पूरी वीडियो में किस तरीके से हम रोटाहेलर से इनहेलर को हम लेंगे। आप इस इनहेलर को इस तरीके से लें कि ये जो पूरा जो असर है दवाई का, जो कैप्सूल का जो असर है वो आपके लंग्स तक पहुँचे, ताकि वो आपके जो लंग्स के अंदर जितना भी इन्फेक्शन है, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए। ये आपको बताइए वीडियो अगर देखने में कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना, कमेंट। Thank you.